एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? देखो, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है अगर हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, उसको किसी किसी एंटीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाएं तो पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और अगर हम किसी पर्सन के अंदर उस एंटीजन का वीकर फॉर्म उसके अंदर डालते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करके खुद उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करें एंटीबॉडीज, तो हम उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन इसको बोलते हैं। ओके, जैसे इसमें वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं, हम एक पैथोजन को ही, पैथोजन का एक एटेन्यूएटेड फॉर्म उसको उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। एटेन्यूएटेड का मतलब होता है कि कोई वायरस है वो इनएक्टिव वायरस है या वो डेड वायरस है, या उसको किसी तरह से हमने वीक कर दिया है कि वो पर्सन के अंदर जाकर वो प्रोलिफरेट नहीं करेगा, वो कभी भी एक्टिव नहीं होगा। ऐसा वीक पैथोजन जब हम किसी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं उसके ब्लड में, तो उसका इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेता है। तो ऐसे इम्यूनाइजेशन को हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में रेडीमेड एंटीबॉडीज, जैसे हमने पढ़ा है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम वो मदर का ब्लड होता है जो लैक्टेशन के बिल्कुल शुरुआत के दिन में प्रोड्यूस होता है। येलोइश मिल्क जो मदर के मैमरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो ये एक इन्फेंट के लिए, एक बेबी, उसके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। ओके, कोलोस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि उस इन्फेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फ्रॉम डिजीजेस। मैं क्यों यहाँ पर आईजी लिख रही हूँ, क्योंकि आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन हम एंटीबॉडीज को ही बोलते हैं। ओके, पैसिव इम्यूनाइजेशन हम अक्सर करते हैं स्नेक बाइट के केस में। जब स्नेक बाइट करता है तो वो अपना टॉक्सिन रिलीज कर देता है और तब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्टिव इम्यूनिटी का वेट करें। तो हम क्या करते हैं, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज उसके पर्सन के ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं और उसका जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो एंटीबॉडीज। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन।